राजकीय रेलवे पुलिस के आईजी सत्येंद्र कुमार सिंह ने शनिवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन स्थित जीआरपी थाने का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आईजी रेलवे सत्येंद्र कुमार सिंह ने शस्त्रागार, मालखाना, बंदी गृह सहित शस्त्रों के रख रखाव और उसके प्रयोग किए जाने की विधि का भी जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान आईजी सत्येंद्र कुमार सिंह ने थाने के सभी अभिलेख रजिस्टर को क्रमवार चेक किया और संबंधित पुलिस कर्मियों से उसके संबंध में जानकारी हासिल की। निरीक्षण के दौरान आईजी रेलवे कई मायनों में तो नाखुश दिखे, लेकिन रजिस्टर के बेहतरीन रख रखाव और राइटिंग पर उन्होंने एक कांस्टेबल को पुरस्कार देने की भी घोषणा की। इस दौरान सीओ जीआरपी रचना मिश्रा, जीआरपी थाना प्रभारी उपेंद्र श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जीआरपी के आईजी सत्येंद्र कुमार सिंह ने कहा, सामान इस तरह के हैं, पेल के काफी नुकसानी है, शरीर में इनसे बहुत मदद है, क्योंकि बरसात के बाद जो रखना चाहिए साफ सुथरा, जितना सामान अवेलेबल है जो भी सामान खराब हो सकता है, सारी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी एक बार दूसरे से खाई जाए, दूसरे प्रमाण पत्र गौतम से आप प्राप्त करें। जो रखे हुए हैं जरूरत पड़ेगी तो हमारे इसको इस्तेमाल नहीं करते, कभी दिखाते नहीं है, डेमो भी दिखा दो, डीडी एंट्री करके डेमो करवा दो, उसी में मालूम हो जाएगा, छूट रहे खोलते हैं तो ये निष्क्रिय जो हैं इनको शिक्षण दिवस के नाम करके शिक्षण के तौर पर समस्त फोर्स को इकट्ठा करके डिफरेंट एंगल से काम अगस्त 1939 है तो ये सबसे नहीं मिलेगा, अपनी भूमि पर पूरा आशंका है, काम नहीं करेगा। रचना मिश्रा इनको जो देख रेख में अवश्य करवाएं और जो आरक्षण करें, कार्यरत कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं, और साथ में हम चाहते हैं इसका तस्कर भी दर्ज करें, इसको चलवा करके मामले ये कैसे रखे हो अंदर, कैसे कैसे बारह बोर्ड काट दो, फॉर 5 ईयर्स मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, अभी तीन ग्रह मैन्युफैक्चरिंग डेट 16 की है और ये 21 तक चल रहा है। जानते हो नहीं अंतर, ये क्या कर रहे हैं, मांगने वाले नहीं रहता है क्या, ये बाएं शस्त्र तुम बताओ सावधानी, सावधानी कैसे मैं कहूँ जांच के लिए बाएं शस्त्र कैसे करो, कमांड है जांच के लिए बाएं शस्त्र क्या होता है, निरीक्षण के लिए बाएं शस्त्र इस कमांड की क्या कार्रवाई करोगे, निरीक्षण कैसे कराओगे शस्त्र का, आप करो दिखाओ कैसे चेक कराओगे, ये मुझे पहले चेक कर देंगे दीपक कुमार चौधरी सब इंस्पेक्टर को उत्तम प्रवेश दीजिए, उन्होंने अच्छे तरीके से जाँच शस्त्र और निरीक्षण शस्त्र का दायरा किया, बहुत अच्छा, अभी ट्रेनिंग तो क्या हो गया, नहीं कैसे याद रखना, तो
तुम कहते हैं निगाह रहेगी और वो चेक कराओगे, असलाह जांच करवाओगे, ये सब नहीं जानकारी है क्या उपेंद्र? कोई जानकारी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं की क्या? शस्त्र ड्रिल में कोई कवायद बताओ, कोई कमांड बताओ, शस्त्र ड्रिल की कोई कमांड बताओ, क्या तुमने किया? तुम्हारे सामने तुम्हारा पूरा प्लाटून खड़ा है, बताओ कैसे कमांड करोगे? बोलो सावधान, ऑफिसर को जांच शस्त्र बताएंगे, कोई और कमांड बताओ, जांच शस्त्र को नहीं बता रहे, कोई एक कमांड बताओ शस्त्र के लिए, जांच शस्त्र सावधान का जांच और निरीक्षण हो गया, आगे बताओ दो के अलावा। शस्त्र ड्रिल, स्पॉटरी नहीं, शस्त्र की ड्रिल, असलाह के साथ ड्रिल होती है वो बताओ, ये तो कंधे शस्त्र, चल बाजू शस्त्र और सलामी शस्त्र, ये शस्त्र ड्रिल नहीं है, ये स्पॉटरी का नमूना, स्पॉटरी जो है वो उसका है। इसको चेक करके जिनसे लेना है वो कहाँ पोस्टेड है, जो थे उनके पास चार्ज कहाँ गया, वो चार्ज वो दिया नहीं जिले में, जब भी कभी चेंज करना हो इन लोगों को हेड मॉडरेट को, खासकर हेड मॉडरेट और इस तरह के लोग जिनके पास माल खाने का चाह भागे, ये जब तक देंगे नहीं तो एक प्रॉपर्टी है कहीं, कुछ है कहीं देना है, वो टाइम बाउंड चीजें हैं, अब वो बंदा वहाँ छूटेगा नहीं, हाँ। ये देगा नहीं, वो आई ही रहा है सर, उससे है ना जैसे ऐसी ऐसी चीज रखे हो तो मजबूत अजीबी चीजें, जिनको अगर यहाँ लगा दो टिकट रेलवे पे नहीं पाया जी, काला बंद है चाबी नहीं पा सकता, अच्छा तुमने चार्जर नहीं दिया ना, ये द्वारा बंदी के लिए है ये सर, खतरनाक बंदी के लिए गंदा होता है तो लेकिन आप बंदी का बहुत माहौल बहुत गंदा है, दीवारों पे पीक पीक पड़ी हुई है, इसकी पीक को साफ कराया जाए और बाथरूम को जाकर साफ कराया जाए, मेहमान भी है ये तो तुम्हारा सारा का सारा सामान जा सकता है, इसका सामान उठा कर यहाँ रख सकते आराम से, महिला का कोई महिला आ जाए सर, महिला बंदी गृह में सामान भरा हुआ है, उसके बगल में एक रूम है जिसके ऊपर माल खाना द्वितीय लिखा हुआ है, इस माल खाना द्वितीय में इस कमरे का सामान शिफ्ट किया जा सकता है और महिला बंदी गृह को साफ सफाई करा करके बोलो कराएं ताकि किशन में थाना हाजा का पहरा था समय प्रदीप कुमार, किशन कुमार जिसको बुलाने एक तरफ इंसास नंबर 26 पहरा पर करा गया जागरूक, ये बताओ जो ये चेंज कराते हो उसको कहीं सूचित कराते हो उसको, हस्ताक्षर किशन कुमार का कहीं हस्ताक्षर होता है कहीं नहीं होता, कितनी बड़ी लॉ है ये घटना कोई घट गया हो सकता है, 12 से 3 के पहले में 1 बजे घटना घटी हुई, उस 1 बजे कौन था वो कहेगा यही कहेगा ठीक कर, ये बताएगा कौन देगा वो कहेगा हमने लाइव नहीं, नियुक्ति पहरा नियुक्ति ऐसा क्यों नहीं करते,
नाम होने चाहिए उसमें, नहीं होना चाहिए सबको। लोड टाइम सर चल रहा है ले बाहर का साइंटिफिकेट बनता ही समझ इंडेक्स की कालम काट कर जानकारी रखी गई है और मासिक घोष द्वारा बनाया गया है। प्रभारी निरीक्षक के अलावा एडमोरेट के साथ नहीं है, क्यों? उसमें भी वही तुम कर रहे हो। जब आप घोषवारा बनाते हो तो घोषवारा बनाते समय प्रभारी निरीक्षक के हस्ताक्षर नहीं होते, ये जो घोषवारा जिसे प्रिपेयर किया है उसका भी सिग्नेचर होता है। इस पर तुमने सबसे बड़ी चीज़ तो इसी कराना चाहिए अपन ने, वार्षिक निरीक्षण के क्रम में आज गोरखपुर जीआरपी थाने का निरीक्षण किया गया और इस निरीक्षण में मैंने सभी चीज़ों को देखा है, अभिलेख देखे गए हैं, यहाँ पर जो लोग तैनात हैं उन लोगों से बात की गई है, सम्मेलन किया गया है, उनकी समस्याएं सुनी गई हैं और अभिलेखों का जो उनमें प्रविष्टियां हैं एंट्रीज हैं वो देखी गई, इनकी समस्या सुनी गई। तो सारा कुछ देखने के बाद यहाँ जो स्पेशल टाइप क्राइम है, जो चोरी का क्राइम है इस ट्रेन में, उसके संबंध में भी बात की गई। जो ट्रेनों में मोबाइल चोरी का और लेडीज़ पर्स की चोरी का और जहर खुरानी जो हमारे लिए सबसे चिंताजनक विषय है, वो गोरखपुर इस अनुभाग में हमारे घटनाएं घटित होती हैं और ये बहुत ही ख़राब क्राइम है, तो हम लोग इसको विशेष आख्या अपराध मानते हुए ऐसे अपराधों पर विशेष ध्यान देते हैं। और हमारे पास हमने कुछ यहाँ पर इस तरह के सुझाव दिए हैं कि चोरियों में इजाफा ना हो, चोरों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, किस तरह से अपराधियों की धरपकड़, उनका अनुसरण, उनका फॉलोअप जेल से छूटने के बाद उनके पीछे कैसे लगा जाए, जमानतदारों के पीछे कैसे पड़ा जाए, उनकी अटेंडेंस थाने पर लगवाई जाए, एक एक चोर जो भी सक्रिय है उसके पीछे हम लोग उसके साय की तरह जैसे परछाई होती है शेडो बनके हमारा एक एक आदमी पीछे पड़ जाए। मैंने टास्किंग की हुई है, यहाँ जितने भी अपराधी हैं जो सक्रिय अपराधी हैं उन सभी अपराधियों के पीछे हमारे जो भी जवान यहाँ पर तैनात हैं, उपनिरीक्षक, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल, उनको लगाया गया है, उनको पूरी जिम्मेदारी दी गई है कि उनके पीछे लग करके उनकी गतिविधियों पर निकट दृष्टि रखें और कोई क्राइम होता है तो वो उसके लिए वो जिम्मेदार होंगे। नाम तो बताना रामनिवास गौतम ठीक रहेगा, रामनिवास गौतम नाम पता नहीं कौन कौन थे, हाँ ऐसे ही नाम बताना। हाँ कुछ लोगों ने बहुत ही एग्जाम्पलरी वर्क किया है, अच्छा काम किया है यहाँ पर जीआरपी में, तो उनके द्वारा जो रखरखाव किया गया है तो अभिलेखों का वो बहुत ही अच्छा मिला, तो उस पर उन्हें पुरस्कृत भी किया गया है। और कुछ हमारे दो तीन जवान ऐसे हैं जिनके लिए जवाब तलब किया गया है, तो उनको दृष्टिकोण ये रहा है कि दंड देना कोई ध्येय नहीं है, ध्येय ये है कि उनमें सुधार हो और कुछ चीज़ें जो अपने तजर्बे के आधार पर और बेहतर हो सकती हैं वो इनकलकेट करने के लिए, वो उनमें और डालने के लिए कि ये लोग इसके आदि बने, अच्छी चीज़ों का, अच्छी परंपराओं का, अच्छे अभिलेखीकरण करें, इसके लिए उनको हिदायत की गई।